जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरें। लगातार खबरों को देखने व सुनने के लिए बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, तो कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जी बीएनबी बात कर रही है बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप के प्रांगण से, माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी भवानी के समक्ष। यहाँ पर बेंगाबाद के काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं, माताएँ बहनें यहाँ पर पूजा आरती में जुटी हुई हैं। बात कर रहे हैं फिलहाल बेंगाबाद के तरुण भैया से, जो बेंगाबाद में अपने आप में एक ख्याति प्राप्त पहचान रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं आदि शक्ति माँ जगत जननी माँ भवानी के बारे में, संदेश आप लोगों को रूप में दें और दुर्गा पूजा किस प्रकार मनाएं, क्या शुभकामनाएं किस प्रकार देंगे, उन्हीं की मुख से उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं। जी तरुण भैया, कामना यही कि पूजा आस्था का चीज है। हम सारे लोग सदियों से यहाँ, जब से पूजा हो रही है, बहुत विकट परिस्थिति में भी चाल से लेके आज एक मंदिर का प्रारूप में हम लोग पूजा कर रहे हैं। लोगों का आस्था यहाँ के मंडप से बहुत ही जुड़ा हुआ है और वो आस्था इस कदर कि लोग उस आस्था से फलीभूत होते हैं और अपने अंतरात्मा से यहाँ समय एवं भक्ति अर्पण से पूजा करते हैं। विगत साल से जो पेंडेमिक है हमारे यहाँ कोरोना से, लोगों को अपने भावना को इस लड़ाई में, मैं यही चाहूँगा, माँ से आराधना करूँगा कि माँ सबको निरोगता दे, सबको स्वस्थ जीवन दे। अपनी माँ के हम संतान हैं, हम लोगों से गलतियाँ होती हैं, समाज की स्थिति जो है बद से बदतर हो रही है। माँ सब में ये संदेश भरे, सब मनुष्य में मनुष्यता का जो है ये प्राण डाले, सब में उसका नैतिक एक सुधार आवे, समाज के प्रति दायित्वशील हो और हम समाज और वातावरण को शुद्ध रख सके और भाईचारे और हार्दिक बंधन को रखे। लेकिन साथ साथ कोरोना को देखते हुए हमें थोड़ी दूरी भी रखनी है और अपना आस्था को लेके चलना है। बस मैं यही चाहूँगा, सब लोग खुश रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, यही माँ से कृपा है। हमारे माँ से कृपा है कि पूरे हमारे इलाके के लोगों को सुख शांति दे, वैभव दे। वो प्रेम से बोले जय माता दी। यहाँ पर देखिए कलावती अस्पताल के संचालक महोदय भी पहुँच चुके हैं, मंगल महतो जी, उनसे भी बात करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आदि शक्ति जगत जननी माँ भवानी के। दुर्गा मंडप बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप प्रांगण में है और आरती में अभी ये जुटे हुए थे, इनसे जानते हैं क्या संदेश देना चाहेंगे। जी मास्टर सर, यहाँ बहुत दिनों से पूजा हो रही है, ऐसा सुना जाता है कि बक्सी बाबू जो थे वही यहाँ की पूजा शुरुआत किए थे, उनको संतान नहीं हो रही थी, तो पूजा करने के बाद उनको संतान हुई, उसके बाद यहाँ छोटा सा मंदिर बना, धीरे धीरे लोगों का आकर्षण बढ़ा और ये मंदिर आज भव्य रूप ले चुका है। यहाँ पूरे प्रखंड के लोग दूर दराज से भी यहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं और अपने मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ जो भी आते हैं श्रद्धालु, जो मन से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी भी होती है, निश्चित रूप से पूरी होती है। कहते हैं आस्था और विश्वास का केंद्र यह सार्वजनिक दुर्गा मंडप है, जहाँ पर बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सभी माताएं बहनें यहाँ पर पूजा करने आती हैं। और खास बात यह है कि शाम संध्या आरती के समय यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाएं आती हैं और पूजा यहाँ पर अर्चना करती हैं, आरती में भाग लेती हैं। जो आप देख पा रहे हैं सार्वजनिक दुर्गा मंडप बेंगाबाद का प्रांगण का यह दृश्य है, निश्चित रूप से यह अलौकिक और कहते हैं कि आस्था और विश्वास का केंद्र है, जो दूर दराज से चल करके लोग आते हैं। आइए, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के महिमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो काफ़ी जो आप देख पा रहे हैं यह मंदिर का जो नज़ारा, विहंगम दृश्य जो देख पा रहे हैं, यह बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप का प्रांगण का है। यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं और जानते हैं, बेंगाबाद मुखिया भी यहाँ पर घूम रही है पूजा करते हुए, राजेश जी से हम लोग बात करते हैं। राजेश जी थोड़ा इधर आइए, बताइए कैसा पूजा पाठ चल रहा है। बहुत अच्छे, हर प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी मैया का कृपा है, सब लोग
ठीक ठाक से हैं और बढ़िया से हो जाए पूजा। प्रेम से बोलिए जय माता, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। थोड़ा बाजा थोड़ी देर बंद रखवाइएगा, लाइव चलवा रहे हैं ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी लोग जुटे हुए हैं जो मंदिर के संतोष जी हैं। थोड़ा संतोष जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा पूजा पाठ चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब खुशी खुशी, सब खुशी खुशी, आनंद में चल रहा है। देख सकते हैं राकेश जी इधर प्रसाद वितरण करने में लगे हुए हैं, राकेश जी प्रसाद वितरण में करने में लगे हुए हैं। और जो हमारे कार्तिक चाचा हैं इनसे भी चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे दुर्गा पूजा को लेकर जी? दुर्गा पूजा तो खुशहाली में बीत रहा है और बहुत अच्छा से धूमधाम से बीत रहा है, इसमें कोई और सब नियम का पालन भी हो रहा है, आनंद आ रहा है आपको? यह आनंद जितना आ रहा है वो मैया जानता होगा, हम नहीं बता सकते। प्रेम से जय माता जी बोल दीजिए। बोलिए माता जी सरकार की, राधे रानी सरकार की। तो देख सकते हैं जय माता जी का नारा भी लग रहा है, लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पर और लोग जुटे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। देखते हैं यंग ग्रुप के भी लड़के लोग यहाँ पर हैं, ज्यादा तादाद में काफी पहुंचे हुए हैं, आइए मिलवाते हैं। देखिए लक्ष्मीलाल मंडल जी जो रातड़ी के हैं, ये आए हुए, क्या कहना चाहेंगे दुर्गा पूजा को लेकर? देखिए बेंगाबाद में दुर्गा पूजा हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़ा धूमधाम से सभी नियमों के साथ कोरोना गाइडलाइन पालन के साथ बड़ा उचित ढंग से मनाया जा रहा है। यहाँ सभी के दिलों में हार्दिक प्रेम बनी हुई है, माँ दुर्गा माँ जगदम्बा आदि शक्ति की मन्नत मनाने में और पूजा करने में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। तो आप देख पा रहे हैं बेंगाबाद का नजारा, यहाँ ये और लोगों से मिलवाते हैं आप लोगों को और जानते हैं यहाँ के मंदिर के महिमा के बारे में, मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार संदेश देंगे, आइए उनसे ही जानते हैं। लोगों से मिलकर के रूबरू होते हैं और जानकारी लेते हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से यह जो नज़ारा देख पा रहे हैं आप, संजय जी थोड़ा इधर आइएगा, आइए आइए हाथ धो करके आइए, देख सकते हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में अपने आप में एक पहचान रखता है, आस्था और विश्वास का केंद्र है उस स्थान बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मुख्य बाजार के स्थित में है, जहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा पाठ की जा रही है। सिर्फ डेकोरेशन और पंडाल में कमी की गई है क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार का गाइडलाइन यहाँ पर जारी था। यहाँ के पूजा समिति के अध्यक्ष विजय सिंह जी से भी आप लोग को मिलवाते हैं और यहाँ पर बेंगाबाद की उपमुखिया छविया देवी और देख सकते हैं JSLPS की दीदी रूबी कुमारी भी आई हुई हैं, उनसे भी संदेश ले लेते हैं क्या कहना चाहती है नवरात्रि पर दुर्गा पूजा को लेकर। जी रूबी जी बता ही दीजिएगा जी। सभी को जय माता दी। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी बेंगाबाद प्रखंड वासियों को, समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। हर वर्ष जैसे दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, इस वर्ष भी जोरों शोरों से तैयारी हो रही है, डेकोरेशन अभी चल ही रहा है और आज षष्ठी है और कल सप्तमी में माँ दुर्गा का पूजा होगा। सभी भक्तगण आ करके यहाँ पर आनंद लें, यहाँ पे अभी मंगल आरती हुई और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जय माता दी, बहुत अच्छा लगा। बताइए मुखिया जी आप क्या कैसा लगा? दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मना रहा है कि यहाँ के लोगों बेंगाबाद प्रखंड को देशवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामना। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता। तो जय माता जी का नारा अब तो आज से लगना शुरू हो गया है, निश्चित रूप से नवरात्रि तक लगेंगे। संजय जी जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं इनसे जानेंगे। जी संजय जी क्या कहना चाहेंगे पूजा को लेकर, बताइएगा। प्रणाम बाबा। पूजा का आज पांचवा दिन है, हमारे गांव की माता बहनें भक्तजन श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा भाव से दुर्गा प्रांगण में आकर के मंगल आरती में भाग ले रहे हैं और आप हम सबों को लाइव जो दिखा रहे हैं आप भी धन्यवाद के पात्र हैं इस शुभ अवसर पर। और प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, कोरोना COVID-19 का पालन करते हुए, बहुत संयम बरतते हुए सारे लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आज पांचवा दिन है, बड़े धूमधाम से हो रहा है। बाबा भोलेनाथ की भी असीम कृपा है, माँ दुर्गा की आंगन में जय माता दी, जय माता दी। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं बहुत दूर दूर के, जय माता दी बोल दीजिए। जय माता दी, जय जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर काफी लोग हैं, आइए हनुमान जी वगैरह से मिलवाते हैं आपको, पूछते हैं जानते हैं। और यहाँ जो हनुमान जी का है राजस्थान से लाया गया है और विधिवत पूजा पाठ रामचरित पांडे जी के द्वारा किया जाता है, जो आप देख पा रहे हैं राजस्थान की मूर्ति है और वहीं से लाया गया है और निश्चित रूप से यहाँ विधिवत पूजा पाठ रामचरित पांडे जी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर और दीदियाँ हैं, रूबी जी आप संदेश दे दिए, आप बताइएगा जी दुर्गा पूजा को लेकर के संदेश। जय माता दी बोलिए, अरे जय माता दी बोल दीजिए, जय माता दी।
चलिए शर्मा रही है निश्चित रूप से, और आगे भी आप लोगों को बीएनबी दिखाती है और यहाँ के जो पूजा समिति के अध्यक्ष वगैरह हैं उनसे भी मिलवाते हैं आप लोगों को और बताते हैं कि देखते हैं कि कौन क्या कहना चाहेंगे। आइए पूजा समिति अध्यक्ष महोदय के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं क्या तैयारी चल रही है अब तक और क्या आगे का प्रक्रिया है, किस प्रकार पूजा पाठ की जाने की संभावना है, आगे क्या संदेश देना चाहेंगे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्रवासियों को। जी विजय जी बताइएगा। जी पत्रकार महोदय, कोविड 19 को देखते हुए, सरकार के निर्देश को देखते हुए हम लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं। मेला का कोई प्रायोजन नहीं है और सब खुशहाली पूर्वक सब कोई मना रहे हैं दुर्गा पूजा बेंगाबाद में, और दुर्गा मैया से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारा मिले और सब खुशहाली में रहे, सभी लोग खुश रहे, सबको आशीर्वाद मिले, दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिले, सबको दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिले, कोरोना दूर भागे। पूजा समिति के अध्यक्ष विजय सिंह जी का कहना है निश्चित रूप से कोरोना ने बड़ा ही लोगों को परेशान किया है पूरे साल भर, और देख रहे हैं मेला और कोई भी आयोजन नहीं किया जा रहा है, जिसका कारण यह है कि कोरोना को लेकर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिसके कारण विधिवत पूजा पाठ तो हो रही है लेकिन डेकोरेशन, लाइट और अन्य कोई भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। यह सरकार का भी निर्देश है जिसके कारण इस पर पाबंदियां लगाई गई है और नियमता जो होता है विधिवत पूजा पाठ किया जा रहा है। तो आप लोग बने रहे बीएनबी और लाइव 7 के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय माता दी। थैंक यू। ओम कर्पूर गोरम कर्णावतारम संसार सारम भुजे गंधहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी मैं बात कर रहा हूँ बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडप प्रांगण में स्थित नर्मदेश्वर धाम, बाबा नर्मदेश्वर धाम से आप लोगों को बीएनबी लाइव 7 रूबरू करवा रही है, मिलवा रही है। साथ ही साथ बाबा नर्मदेश्वर धाम की सेवा में लगे हुए, तन मन से जुटे हुए पंडित प्रभुनाथ योगी ओझा जी से हम आपकी रूबरू करवाते हैं और उनसे मिलवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं इस बाबा नर्मदेश्वर धाम की महिमा और पूजा पाठ चल रहा है उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। और प्रभुनाथ जो ओझा जी हैं, यहाँ के पंडित हैं और यहाँ का संचालन कर रहे हैं, पूरे बाबा नर्मदेश्वर धाम की सेवा में लगे रहते हैं। शाम को श्रृंगारी पूजा भी की जाती है जो आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग बाबा प्रभुनाथ ओझा जी के पास, जिनके द्वारा यहाँ पर मंडित किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उन्हीं से जानते हैं कितने वर्षों से पूजा पाठ हो रहा है बाबा आपका। 12/2/2002 से बाबा नर्मदेश्वर धाम का श्रृंगारी पूजा बड़ा तन मन धन के साथ किया जा रहा है। यह पूजा छोटा नहीं है, यह पूजा बड़ा विशाल है। इसमें दूध, दही, घी, मधु, गुड़, लेप, गंगा जल, शुद्ध जल, गुलाब जल, सेंट तेल के साथ बाबा का श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार करने के बाद बाबा को फूल माला से अलंकृत किया जाता है। उसके बाद आरती किया जाता है, फल मूल से भोग लगाया जाता है। यहाँ के हमारे जितने दुकानदार भाई हैं उनके सहयोग के द्वारा ये किया जा रहा है। हमारा जो है उप मुखिया जो है जगन्नाथ मंडल जी, उनका भी कुछ सहयोग बराबर होता रहता है, जिसके कारण ये श्रृंगार पूजा चल रहा है। श्रृंगार पूजा करने में बहुत हमको जो है सो तन मन धन लगा करके करते हैं और इसकी विधि व्यवस्था जो है हमारे यहाँ जनता जनार्दन के द्वारा किया जा रहा है। और यह पूजा अभी तो दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य के चलते जो है सो समय पर नहीं होता है, समय के पहले हो जाता है, लेकिन इसका टाइम है 6 से लेकर के 7 तक, और समय में पूजा के बाद 6 से 7 बजे श्रृंगार होगा और बाबा का जो है जलाभिषेक भी होता है, रुद्राभिषेक भी होता है, सब कुछ यहाँ होता है और वह करने वाला हम पंडित प्रभु नारायण ओझा के माध्यम से किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं सोमवार का दिन भी है और बाबा का पूजा भी यहाँ पर श्रृंगारी पूजा हुआ है और जो आप प्रत्यक्ष रूप से अभी देख पा रहे हैं। और आप लोगों को और यहाँ के जो लोगों हैं, जो दुर्गा पूजा चल रहा है बाबा अभी इन दिनों आपके मंदिर प्रांगण में यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, दुर्गा पूजा पूरा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। यह पूजा जो है यह सार्वजनिक पूजा है, हमारा ये 7 गाँव का पूजा है। हमारा गाँव बेंगाबाद है, फोरसोडी है,
भाड़ो डी है, मंगरो डी है, दामोदर डी है, रात डी है, उसके बाद और जगह से हमारा ये जो है बेंगाबाद प्रखंड का मुख्यालय का मंदिर है, यहाँ से 27 पंचायत का लोग आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं। यह पूजा छोटा नहीं है, विशाल पूजा है। प्रशासन के द्वारा जो हम लोग के आदेश मिला है कि पंडाल वगैरह नहीं होना चाहिए, वह हम लोग प्रशासन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ नहीं किए, साधारण पूजा की ओर जा रहे हैं। साधारण पूजा माँ का पूजा तो विस्तारे होगा, लेकिन पंडाल उंडाल नहीं होगा, साधारण पंडाल नहीं भी कुछ होगा, लेकिन माँ का पूजा विस्तार के साथ किया जाएगा। बिल्कुल साधारण पूजा की जा रही है, पंडाल वगैरह नहीं हो पा रहा है। आइए मिलवाते हैं आपको दुर्गा माता के मंदिर प्रांगण में जो लोग आए हुए हैं उनसे भी मिलवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं यहाँ की महिमा और यहाँ के बारे में क्या है और क्या इसमें है। तो आप देख पा रहे हैं मंदिर का जो दृश्य है, बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सार्वजनिक दुर्गा मंडप का यह नजारा है। बाबा नर्मदेश्वर धाम में अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और मिलाए हैं और इसी तरह मिलाते रहेंगे और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। और आप देख सकते हैं ये बोरिंग के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं पूजा की। और डॉक्टर साहब हैं, हमेशा हनुमान जी के लिए काफ़ी अहम योगदान भी दिए हैं। आइए इनसे जानते हैं पूजा के बारे में। क्या डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे पूजा के लिए, क्या कहना चाहेंगे, बोलिए, माइक पर है आप, लाइव है। पूजा के लिए क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश पूजा शांतिपूर्ण ढंग से हो, लोग इसको सही ढंग से मनाएं, यही मेरी ओर से सब दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। सब शांति ढंग से पूजा को मनाएं और शांति से मनाते हुए पूजा को संपन्न करें। यहाँ पर अभी पूजा पाठ विधि विधान चल रहा है, आगे भी आप लोगों को बीएनबी मिलाएगी। तब तक बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय सत में जयते, वंदे मातरम। Yeah.
जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बीएनबी, और फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते।